अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूज़ ज़ेब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है jQuery एंड इट्स प्लगइन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो में जो jQuery है वो इसकी लाइब्रेरी है, जो कि एक फास्ट और कंसाइज लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसका मोटिव या मोटो ये है कि लेस जो है वो कोड लिखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाएँ। jQuery सिंप्लीफाइज करता है HTML डॉक्यूमेंट ट्रेवर्सिंग को, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन और एजेक्स इंटरेक्शन के लिए, फॉर रैपिड वेब डेवलपमेंट के लिए। jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट टूलकिट डिज़ाइन की गई है वेरियस टास्क परफॉर्मिंग के लिए, जिसमें हम लेस कोड लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर कुछ jQuery के फीचर्स हैं, जैसे डोम मैनिपुलेशन है। जावास्क्रिप्ट जो है वो इसको ईजी कर देता है टू सेलेक्ट डोम एलिमेंट्स और निगोशिएट दैम उनसे, यानी कि बातचीत करने के सिस्टम में, यानी कि वेब जो पेज है हमारा, इसके बाद उनको कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए बाय यूजिंग क्रॉस ब्राउज़र ओपन सोर्स सेलेक्टर। इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो है jQuery जो ऑफर करता है एन एलिगेंट वे टू कैप्चर अ वाइड वेराइटी ऑफ इवेंट्स सच एज क्लिकिंग ऑन अ लिंक without the need to clutter the HTML code itself with event handlers। Ajax के लिए supportive है, जो कि jQuery help करता है a lot to develop a responsive and feature-rich site using Ajax technology। Animations के लिए बड़ा है कि jQuery जो है plenty of brilliant animation effects जो है वो use कर जो है वो अपने पास उसके define है, so हम इसको use कर सकते हैं website में। Lightweight है, इसके अलावा क्रॉस ब्राउज़र सपोर्टिव है, यानी कि डिफरेंट ब्राउज़र्स में इसकी कंपेटिबिलिटी जो है वो ट्रू है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी ये सपोर्टिव है। jQuery को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक हम लोकल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और दूसरी जो है वो CDN बेस्ड वर्जन है। लोकल इंस्टॉलेशन में ये कि इसकी पहले लाइब्रेरी को हम डाउनलोड करेंगे और फिर हम जहाँ पर हमारी फाइल जो है HTML कोड जो है उसमें हम प्लेस करेंगे, जहाँ पर वो फाइल मौजूद होगी वहाँ पर हम अपनी jQuery की फाइल को सेव कर लेंगे। CDN बेस्ड ये है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि हम इसको ऑनलाइन जो है वो उसकी फाइल को अटैच करेंगे। तो अगर हमने लोकल इंस्टॉलेशन करनी है तो उसको हम जो है jQuery.com में जाके डाउनलोड में जाके लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे, और फिर उसके बाद कोई भी हेलो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो हम प्रिंट करवा लेंगे। इसी तरह CDN बेसिक कि अगर हम इसको ऑनलाइन अटैच करके करना चाह रहे हैं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इसका सोर्स फाइल जो है वो हम दे देंगे ऑनलाइन, उसको अटैच करेगा इस फाइल को। तो इसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसकी फाइल कैसे अटैच होगी। मैंने यहाँ पर CDN बेस्ड जो है jQuery की फाइल को अटैच किया और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखती हूँ, और स्क्रिप्ट में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन यूज़ किया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया हेलो वर्ल्ड, और इस हेलो वर्ल्ड को हम राइट करवा लेंगे। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू जो है ये यहाँ पर लिखा गया। हाउ टू कॉल अ jQuery लाइब्रेरी फंक्शन, जब भी jQuery के जो लाइब्रेरी जो हमने अटैच की है उसके फंक्शन को कॉल करना है तो इसका एक सिंटैक्स है, और एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू व्हेन यूजिंग jQuery रीड्स और मैनिपुलेट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो डूम मॉडल है, we need to make sure that we start adding events as soon as our DOM is ready। If you want an event to work on your page, तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है,
कि हमारे जो पेज है प्रॉपरली वर्क करे, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो फंक्शन है इसको यूज़ करना है। तो यहाँ इसके लिए हमें डॉलर साइन यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, एवरीथिंग इट विल बी लोड एज सून एज द डोम इज लोडेड एंड बिफोर द पेज कंटेंट्स आर लोडेड। तो इसके जितने भी सारे फंक्शंस होंगे वो सारे जो होंगे वो रेडी हो जाएंगे इस रेडी फंक्शन में। हम बाकी अपना सारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे और ये जो होगा ये सबसे पहले लोड होगा डोम फाइल से भी, और जो बाकी पेज का कंटेंट है उसके लोड होने से भी पहले ये जो है इसके फंक्शन जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसका जो सेंटेक्स है डॉलर साइन यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और इसकी जो बॉडी है स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, और इसके बाद ये पेरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट और सेमी कॉलन को यूज़ करेंगे। जितना भी हम जेक्यूरी के इवेंट्स को कॉल करेंगे वो इसकी बॉडी में करेंगे। इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये कि अगर हम एक डिव के ऊपर क्लिक करें तो वो एक हेलो वर्ड जो है अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करके दिखा दें। सो हम इस कोड को कॉपी करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को यूज़ किया है, ये मेरे पास इसको लिखना ज़रूरी है। देन फिर मैंने कहा है कि जब भी एक डिव के ऊपर क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, हेलो वर्ल्ड जो अलर्ट है वो ये अलर्ट बॉक्स में शो हो जाए, और इस डिव में जो आईडी दी है वो न्यू डिव की दे दी है। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तो जब भी मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट जेक्यूरी के मेथड्स हैं उनको देखते हैं, जिसमें जो फर्स्ट इसका अगर हम मेथड देखें तो स्लाइड डाउन मेथड है, कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम स्लाइड डाउन करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखें तो जिस सिलेक्टर को, यानी कि जिस एलिमेंट के ऊपर हम ये एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, डिव के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर, टाइटल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उस सिलेक्टर का यहाँ पर नेम लिखेंगे डॉट स्लाइड डाउन, हम इसका मेथड कॉल करेंगे। और इसमें दो पैरामीटर दे सकते हैं, स्पीड और कॉल बैक। तो स्पीड में हम इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट दे सकते हैं, फास्ट इसको मूव करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, मिली सेकेंड्स में करना चाहिए। कॉल बैक जो है ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि एक फंक्शन है टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द स्लाइडिंग कम्प्लीट्स, कि जो जितनी भी इसमें जो स्लाइडिंग कम्प्लीट्स होनी है उस फंक्शन के लिए ये कॉल बैक एक ऑप्शनल पैरामीटर है। इसकी जो एग्जांपल इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमने कोड इसका जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। इसमें जो हमने मेथड कॉल किया वो स्लाइड डाउन, और इसकी मैंने जो जो थी स्पीड जो थी वो मैंने स्लो बता दी, कि जब भी मैं फ्लिप पे क्लिक करूँ तो मेरे पास स्लाइड डाउन जो मेथड है वो कॉल हो और पैनल में वो शो कर दे हेलो वर्ल्ड, जो आईडी दी है पैनल वो शो कर दे। तो उस पैनल में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, इसे जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास उसने स्लाइड डाउन का जो इफेक्ट था वो शो किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। इसी तरह जो इसका सेकंड मेथड है वो है जेक्यूरी का स्लाइड अप का मेथड, कि अगर हम एलिमेंट में किसी भी चीज़ को स्लाइड अप करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग स्लाइड अप का मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर स्लाइड डाउन की जगह हम स्लाइड अप कर लेंगे, और इसमें भी जो दो पैरामीटर्स हम दे सकते हैं वो स्पीड और कॉल बैक का दे सकते हैं। तो स्पीड में हम इसमें स्लो, फास्ट और मिली सेकेंड में दे सकते हैं, और कॉल बैक जैसे पहले डिफाइन किए गए थे वो ही चीज़ है। इसके कोड को अगर देखें तो इसमें जो हमने स्लाइड डाउन की जगह हमने जस्ट क्या कर दिया है, स्लाइड अप कर दिया है, और जो पैनल में मैंने यहाँ पर डिस्प्ले जो था उसका वो जो नन था उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा, लेकिन जब उसे क्लिक किया जाएगा तो फिर वो उसका जो जो स्लाइड अप है वो इफेक्ट करेगा। ये मेरे पास आ रहा है, अब जब मैं इस पैनल पे क्लिक करूँगी तो ये स्लाइड अप की है, इसमें इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मेथड है वो है जेक्यूरी में स्लाइड टॉगल मेथड,
जो स्लाइड टॉगल है ये टॉगल करता है बिटवीन स्लाइड अप और स्लाइड डाउन, यानी कि अगर हम क्लिक करें तो वो स्लाइड डाउन करे, अगर हम क्लिक करें तो वो स्लाइड अप कर लें। तो इस तरह जो है हम इसमें इसको स्लाइड टॉगल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जस्ट हमने इसको क्या कर देना है, स्लाइड टॉगल जो मेथड है वो कॉल कर लेंगे। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, जब इसे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो है इसका स्लाइड डाउन आ गया। अब जो मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगी तो ये स्लाइड अप आ जाएगा। इसके अलावा दूसरे इफेक्ट्स भी हैं जिसमें हम हाइड और शो भी करवा सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट किसी भी कंटेंट को या किसी भी एलिमेंट को अगर हम हाइड करवाना चाह रहे हैं या शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो दो इवेंट्स हैं जेक्यूरी के वो हाइड और शो के हैं, तो इनको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको अगर हम क्लिक करें शो को तो कंटेंट जो है वो शो होगा, अगर हाइड करेंगे तो कंटेंट जो है वो हाइड हो जाएगा, और अगर मैं शो करूँगी तो मेरे पास जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है जेक्यूरी में टॉगल का, कि जिससे हमने कंटेंट शो और हाइड करवाया है, इसी तरह हम टॉगल मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि टॉगलिंग करेगा बिटवीन हाइडिंग एंड शोइंग। तो इसके इसमें जो हम जो यूज़ करेंगे वो टॉगल मेथड को यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी आउटपुट चेक करें, तो जब इसे मैं क्लिक करूँगी तो कंटेंट हाइड हो जाएगा, कंटेंट शो हो जाएगा। उसके लिए पहले मुझे हाइड के लिए बटन क्रिएट करना पड़ा है और शो के लिए लेकिन टॉगल के थ्रू मैं एक ही टॉगल के थ्रू मैं दो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ। तो इस तरह जेक्यूरी के कुछ इफेक्ट्स जो इवेंट्स हैं इनको हम कॉल करके लेस कोड को यूज़ करते हुए हम फास्टली जो है अपनी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं।